जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये जिप कंपनी की एक स्कूटी, मतलब जिप वालों की कोई स्कूटी वगैरह है, ऑफ पड़ी थी। ऊपर से ही ऑन करी फोन में और स्टार्ट देख चलने भी लग गई। अब एक नंबर चीज है वैसे, और स्टैंड अलग ही चीज है। प्लेन रोड का तो बहुत बढ़िया चले है, बाकी ना मतलब वैसे पावर नहीं होती इसके अंदर इतनी जितनी अपने नॉर्मल स्कूटियों में होती है, पर सही चल लेती है। चार्जिंग किया बिना पेट्रोल चलती है, ना कोई पोल्यूशन करती है, क्या चाहिए। और देखिए क्यों मतलब कैडा सीन हो गया। आज सुबह सुबह निकलना था, कहीं जाना था काम से ना, वो हमें बनानी थी वीडियो। ओ भाई होगी, और वीडियो बनाई थी हमने इसकी परसों शायद। फिर क्या हुआ, वापस करूं भाई? तो क्या हुआ, हमने इसके फोग लैंप ऑन छोड़ दिए। अब तो ना रही भाई, तो फोग लैंप ऑन छोड़ दिए तो गाड़ी होगी डेड। सुबह जाना यार, गाड़ी में धक्के मार लिए, सब कुछ कर लिया, गाड़ी ऑन नहीं। भाई साहब बसड़ गया यार, ये अच्छा सीन हुआ। फिर अब इस भाई को बुलाया, इसने इस वाली स्विफ्ट से लेके शॉर्ट छूट जो हमने वैसे नॉर्मल वायर करके कर दिया था, पर हुई नहीं, बिल्कुल डेड थी बिल्कुल। तो ये अपनी केबल उबल लेके आया, अब जाके कहीं स्टार्ट हुई है, अब जाया जाएगा वहां पे। है भाई जाके कहीं स्टार्ट हुई है, तो भाई ने कहा एक बार थोड़ी सी इसको ना रन करके आओ, तो इसको चलाता हूँ थोड़ा सा दूर। और इसमें तेल भी बहुत कम है, 18 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। एसी ऑफ कर दिया भाई, तो सिर्फ 18 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है, तो एक बार राउंड तो मार के आना ही है, जो बैटरी भी चार्ज हो जाए, और जाके इसका टैंक भी फुल करा के आते हैं। जब जाके गाड़ी में कहीं बात बनेगी कि अब ओके हो चुकी है। हेलो, रेस दे ही रखूं या बंद कर दूं? देख रखो कितनी कितनी देर करनी पड़ेगी, कितनी देर करनी पड़ेगी। चलो और जीरो दिखा दो भाई, कर स्टार्ट। अब बढ़ता रहेगा ये 15 से, बिल्कुल कम तेल। अब देख लेना आप, मैंने अभी वरना की तो कभी दिखाई नहीं है कि फुल टंकी में कितनी चलती है। बाकी जितनी चलती है उससे जितना दिखाता हूँ उससे 20-30 किलोमीटर फालतू चल जाती है, आराम से, बिल्कुल आराम से। सोलह सौ सत्रह सौ का लमसम पेट्रोल हो चुका है और ये पहुंच चुकी है 300-2500 का होगा। फुल हो चुकी है, देख ले थोड़ा बहुत और डाल ले तो, ये 15-30 तक पहुंचा दे इसको, या तो 50 तक पहुंचा दे, पहुंच जाए तो 4050 में ये देख लो 681 किलोमीटर। ऐसे की ये चीज बुरी लगती है गाड़ी की ना, गाड़ी भी स्कूटी की तरह चलनी चाहिए। देख अब 50 में टंकी फुल करा ली हमने 50 रुपये में, और उस भाई ने कहा है कि भाई इसकी 6-7 किलोमीटर की रनिंग कर देना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, या आप आधे घंटे इसे ऑन छोड़ दो, फिर बिल्कुल प्रॉपर मतलब जिसे कहते हैं ना शीशा ऑन खुला आएगा, फिर जो बैटरी का इशू आया था वो आएगा नहीं। मुझे जहाँ जाना था इतने में हो ही जाएगा 6-7 किलोमीटर तो, और बाकी बैटरी हो चुकी है अपनी गाड़ी की। एक बार और इसे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन करके देखेंगे कि बात बनी या नहीं बनी। ये वो छोटा सा वो था, कोई नई गाड़ी है ऐसे दिक्कत थोड़ी ना आएगी बैटरी की। पैकिंग सारी हो चुकी है और हम अब हो गया रेडी जाने के लिए, अब घर में सबके मिल लेते हैं फिर चलते हैं घर से। भगवान हमारी यात्रा अच्छी हो, सफल हो, बढ़िया जाए, बढ़िया आए, और अच्छे से घूम फिर के सारी चीज बढ़िया देख के आए। यंकी आ चुका है हमारे साथ चलने का। मैं चल रहा हूँ भाई, ज्वाइन कर ले। इनकी कही थी अगर ना भाई थोड़ा ध्यान तो जाइयो, गलत रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं भाई, ये पागल है, ये गंदा बच्चा है, ये रिपोर्ट ये ना स्टार्टिंग में हमें बद्दुआ बद्दुआ ही दे रहा है, बद्दुआ ना दे रहा मैंने। तो डॉक्टर है, भगवान होना चाहिए डॉक्टर ने, यार हम तो ना भगवान सा। अरे पास पास, बर्फ में जा रहे हैं, ले में कितनी बर्फ होगी? अभी तो नॉर्मल पड़ी है, क्या पता हम जाए तो स्नो फॉल भी हो जाए, तो मजा आ जाएगा, स्नो फॉल होगी। ठीक है ठीक है, चलते देखते हैं, पिछली बार क्या चला था और लेकर आया था भाई, मैं तेरी गैल हूँ यहीं पे ही हूँ। अरे यही हो तो तेरे साथ ही हो ना, जा रहा हूँ। ओके बाय बाय, ओके बाय बाय बाय, ओके बाय बाय, ओके सिद्धू बाय। मतलब चलना था पहली, एक चीज खो गई अपनी है, कहाँ सी कर रखो तो वैसे, चल एक बार चेक कर, मैं इस साइड देखता हूँ तू उस साइड देख।
वो गैस के ऊपर का होता है ना जो ब्लैक ब्लैक सा जिसमें से आग निकले, वो गिर गया यहाँ कहीं। ओए मिल गो, यही पड़ा तो मैंने लग ही रहे तो। चलो मिल गा शायद, एक भाई अर्थ मिलते हैं और फिर चलते हैं। 12 बजने में 7 मिनट और भाई घर भूल गए तो के ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर जो कि बहुत जरूरी चीज है। ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा, मैं कहा अंडर वाटर थोड़ी जा रहा है हम, ना अंडर वाटर हाँ पर भी घनी बहुत यू करी, मैं कहा क्या करेंगे जिसको सांस नहीं आ रहा एकदम, ठीक है घंटी सोच के चले ना, घनी सोच है माँ चीज ही ऐसी पोसेसिव होता है बहुत ज्यादा। तो भाई घर वापिस आया करीबन करीबन 10:30 बजे के निकले हुए, फिर घर गए, घर आया फिर सामान उमान रखा छोटी मोटी चीज ऊपर नीचे करके वहां तक निकले, तो फिर वापिस अब अन्य घर पे आना पड़ा। 5-7 मिनट यहाँ पे भी लग गए, अब बस 12 बजने को। और रिपोर्ट कहाँ पे भी, रिपोर्ट कहाँ पड़ी पीछे रख दी, चल कहीं पे भी हो भाई, हमने रिपोर्ट अपनी ले ली है यहाँ पर, तो दिया थे वापिस लेने उनको जो हार्ड कॉपी थी, पीडीएफ तो स्कैन ही ना हो रहा था जो पीडीएफ वाली रिपोर्ट थी। तो अब एक बार यहाँ पे होटल पे रुके कुछ हल्का फुल्का लेने के लिए और फिर अब चलते हैं, अब कंटिन्यू बराबर चले अब स्टिंग पीते और कंटिन्यू सोते हुए चलते हैं, जब तक ये कैफीन असर करेगा जब लग जागू उसके बाद आ जाओ आ जाओ। कि मैं यहाँ भी लेना है के बता लेना है तो भाई, हमारा बाण जो भगवान भाई, हम तो बाण जान भगवान मानने का है ना भाई, है ना भाई, पूरा हरियाणा को कोई सोरस तो पूछ लो कौन से किंग हजार सब कुछ को भेरेज ने सब कुछ को भाई। अभी रुका मेरे सुखदेव पे हनी और जोनी वहाँ गाड़ी में बैठा है, अब यहाँ तक खाना लेके चलाऊंगा और गाड़ी में खाऊंगा। 50-1 किलोमीटर के ऐसे घरवाए कर रखे हैं यहाँ पे, यार घूमना फिरना भी चाहिए ना, ये घूमना फिरना चाहिए 50 किलोमीटर भाई तेने बेरो होटल लेकर आया, खाना खुना ले लिया अब अपना चलता चलता ही खाऊंगा, क्योंकि अब अगर बीच में रुका ना कहीं देर यहीं पे बैठ जाओ। के रेड बुल मंगा रहे है पेटी स्टिंग, चलो भाई अब स्टिंग की पेटी लेने चला, पेटी तो ना पेटी तो थी ना उनके पास, तो 10 बोतल लेगा आगा वे बैठा वे, अब गार्डन चलता चलता खाऊंगा खाना, तुम तो भूख लग ना रही थी हैं। गाइस सुखदेव से पराठे लेके निकल चुके हैं, अपने चलते हैं रूट पे और किस हिसाब से किस टाइम तक हम पहुंचते हैं आपको दिखाते रहेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि वृंदावन वाला व्लॉग कितना ज्यादा लेट आया था, वो अभी एट दैट टाइम अपलोड होने लग रहा है, बताया था आपको छोटा सा कुछ इशू था उसकी वजह से, और अभी चलने लग रहे हैं कंटिन्यू। ये सो गए, ये पूरी रात से नहीं सोया था, रात को मैं सो चुका था बिल्कुल, मैं और सिद्धार्थ ने पूरी नींद ली है, ये उठा हुआ था अन्नी के साथ, अब ये सो गया है, हम जाग हुए हैं ग्यारिन पंजाब। अवतार अवतार रेजेंसी ढाबा, यूनिक सही नेम है, अवतार ढाबा पे रुके हुए हैं अभी अभी, मतलब चलने लग रहे थे, अब सुबह के बज चुके 10, तो हमें रुकना था कि स्टे लेना था, एक और रुक के कुछ खाते पीते हल्का फुल्का फिर चलते हैं यहाँ से। खाना आ चुका है क्या, क्या टेस्ट है इनका, है कुछ आ ले रुकना बढ़िया लगेंगे ऐसे ही क्या। तो भाई अब खाना खा लिया यहाँ से, अब होटल से निकल रहे हैं और सफर करते कंटिन्यू, क्योंकि अब जाना जल्दी सी लखनपुर बॉर्डर है उस तक जल्दी सी पहुँचते हैं और वहाँ से पास होते हैं, जैसे तैसे निकलते हैं वहाँ से और पहुँचते आगे अपनी मंजिल पे।